प्रिय दोस्त नमस्कार। जो बीपीएससी कह रही है न्यूनतम अर्हता के विषय में, आप समझिए कि न्यूनतम अर्हता क्या कह रही है। अगर न्यूनतम अर्हता के विषय में बीपीएससी बोल रही है, गौर से समझिए। जो बीपीएससी पहले निर्धारित किया है, जनरल का 120 टोटल क्वेश्चन है, यानी 40%। जनरल को 48 नंबर लाना पड़ेगा पहले जो निर्धारित था। फिर बीसी को 120 का 36.5% यानी 44 नंबर लाना था। फिर एबीसी को 40.8 नंबर लाना था, 34%। इस ढंग से महिला का 39 नंबर जो पहले निर्धारित किया गया था। लेकिन अतुल प्रसाद का ट्वीट किया गया कि अगर हमारा 75% सीट नहीं भरता है इतना न्यूनतम अंक पर, यानी जनरल का 48, बीसी टू का 44, एबीसी का ये कितना है 48 और एबीसी का 41 और फिर महिला का 39, जितना सीट निर्धारित है उससे हम कम करेंगे। जहाँ लेकिन हमको सीट कितना भरना है, टोटल वैकेंसी अगर 170,000 है, कितना वैकेंसी है 170,000 वैकेंसी का हमको 75% सीट भरना है। अगर ये न्यूनतम अंक है, अगर न्यूनतम अंक से ऊपर आ गया तो हम न्यूनतम अंक को कम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा सीट नहीं भरता है तब हम न्यूनतम अंक को जनरल को 48 अंक से कम करेंगे। अगर 55 अंक पर जनरल का जितना सीट है मिल गया तो हमारा न्यूनतम कितना होगा 55। उस अंक से बीसी को का हमको अगर 45 अंक पर मिल गया, 50 अंक पर मिल गया तो 44 से नीचे नहीं लगे, समझेगा। उसी ढंग से महिला का है, उसी ढंग से एससी एसटी का है। लड़के बोल रहे थे कि नहीं 25 नंबर पर ले लेगा, 30 नंबर पर लेगा। नहीं भैया, गौर से समझिए। चेयरमैन सर का कहना है अगर हम पहले से जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया है, जनरल का 48, बीसी2 का 44 या 36.5, अगर इतना अंक तक बच्चे नहीं ला पाते हैं, 75% सीट नहीं बढ़ता है, तब हम न्यूनतम अंक से न्यूनतम अंक जो निर्धारित है पास का उसको हम कम करेंगे। यह बात अतुल बाबू का है। कल जो परीक्षा हुई थी, देख जानते ही हैं कि फर्स्ट सिटिंग हार्ड, लड़के के हार्ड, लड़की का थोड़ा सा आसान किया गया है। तो हार्ड आसान में हार्ड होगा तो कम कट ऑफ होगा, अन्य और लो होगा तो थोड़ा सा अधिक होगा। तो इन ढंग की बात की गई, न्यूनतम और अधिकतम अंक लड़के उल्टा समझ रहे हैं। गौर से समझे, लड़के बहुत सारे कमेंट्स भी किए, लड़के बातचीत भी किए कि न्यूनतम अंक का क्या अर्थ होता है सर, 39 नंबर पर सबको होगा। नहीं नहीं, अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तब, और बच्चे मिल जाएंगे, लड़के मिल जाएंगे तो कम नहीं होगा। जितना मान के चलिए महिला को लेना है 38,000 महिला, अगर 45% नंबर पर ही मिल गया या 45% नंबर पर मिल गया तो लेगा 45% नंबर का, अगर 40% नंबर पर मिल गया तो 40% नंबर का, लेकिन उतना लेना यानी 75% सीट। आप समझ गए होंगे, यही कट ऑफ का न्यूनतम है। कल फर्जी 8 को विद्यार्थी पकड़ाया, हिंदी का क्वेश्चन आसान था, परीक्षा टाइट ली जा रही है। आज परीक्षा हो रहा है हाई स्कूल के लिए, टीचर के लिए, और फिर 10+2 के लिए। चेयरमैन को धन्यवाद दीजिए और सरकार को भी धन्यवाद दीजिए, तो इस ढंग से टाइट व्यवस्था के अंदर परीक्षा ली। हम लोग आज तक देखे नहीं कि बीपीएससी का इस ढंग का चेयरमैन मिले। हम लोग भी परीक्षा बीपीएससी का देते थे, इंटरव्यू देते थे, लेकिन इस ढंग के चेयरमैन कभी नहीं मिले। इतना बढ़िया चेयरमैन और इतना बढ़िया व्यवस्था, कितना लेयर में चेक किया जाता है जी, जैमर की व्यवस्था है। आप अच्छे ढंग से परीक्षा देते हैं, दलाल गए, मैट वाला की बहार। अच्छा हुआ, तो न्यूनतम अंक के विषय में समझे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।